का क्या स्थान है, इस पर हम इस प्रश्न के उत्तर पर आज बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि बिहारी जो है वो रीति काल के कवि हैं, रीतिकालीन कवियों में उनका विशेष स्थान है और उन्होंने श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्य लिखे हैं। तो पहले तो बात आपको बता दूं कि श्रृंगार रस जो है वो जो दूसरे रस हैं, जो नौ रस बताए गए हैं, उन सभी रसों में सबसे ज्यादा ये मधुर, मार्मिक और आकर्षक माना गया है और साहित्य में श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि भी दी गई है। ये क्यों दी गई है? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा रस है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे मनोभावों का वर्णन हो सकता है। इसका जो स्थायी भाव है वो रति है और रति एक ऐसा भाव है जिससे विश्व का, मुझे लगता है, कोई भी पदार्थ जो है वो इसके आकर्षण से नहीं बचा है। और इस रस में इतनी क्षमता है कि ये संपूर्ण जगत को रसमय कर सकता है। तो इसलिए शायद ये कवियों का सबसे प्रिय विषय रहा है, सबसे प्रिय रस रहा है और दूसरे रसों की अपेक्षा जो है श्रृंगार रस में कविताएं जो है ज्यादा लिखी गई हैं। चाहे आप आदिकाल देख ले, श्रृंगार रस का वर्णन रीति काल में तो श्रृंगारिक कविताएं बहुत ही ज्यादा लिखी गई हैं, लेकिन आदिकाल और आधुनिक काल को देखें तो वहां भी श्रृंगारिक कविताएं हमें मिलती हैं। तो इसमें जो है प्रेम प्रमुख रहता है और सीधा संबंध श्रृंगार रस का मानव जीवन से है, और मानव जीवन से संबंध है तो मानव का इसके प्रति आकर्षित होना भी स्वाभाविक ही है। तो और मुक्तक काव्य में तो सबसे ज्यादा इस रस को देखा जाता है। अब जब हम श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्य धारा में बिहारी के स्थान का उल्लेख करते हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कब से इस रस में कविता करने की शुरुआत हुई। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुक्तक काव्य की शुरुआत जो है वो ऋग्वेद से ही हो जाती है। जब ऋग्वेद में जो विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित जो हमें सूक्त मिलते हैं और वो भी स्वतंत्र रूप में, तभी उनको मुक्तक हम कह रहे हैं। तो उसकी शुरुआत जो है वो ऋग्वेद से ही हो जाती है। उसके बाद फिर संस्कृत काव्य आता है, संस्कृत में भी हम मुक्त काव्य देखते हैं और संस्कृत से फिर प्राकृत से होते हुए जो है वो जो है आदिकाल तक हमारी हिंदी तक पहुंचता है। मुक्त काव्य क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वो काव्य है जिसका पूर्वापर कोई संबंध नहीं होता, आपस में दोहों का कोई संबंध नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। अब जो भारतीय मुक्तक काव्य की श्रृंगार संबंधी रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले जो रचना आती है वो गाथा सप्तशती है, जो हाल कवि ने रची थी, जिनका नाम हाल है, तो इन्होंने इसकी रचना की। उसके बाद अमरूक शतक आता है, इस शतक में भी श्रृंगार मुक्तक संबंधी काव्य धारा हमें मिलती है, उसके दर्शन होते हैं। इसके बाद गोवर्धन की आर्या सप्तशती आती है, ये बिल्कुल आपके लिए नए नाम है। और अगर हम जब इसी तरह से भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक भी इसी में है और गीत गोविंद जो जयदेव का है उसमें भी श्रृंगार संबंधी मुक्त काव्य धारा का वर्णन हमें मिलता है या उसके दर्शन होते हैं, लेकिन इस पर रामचंद्र शुक्ल ने भी टिप्पणी की है। इसके बाद विद्यापति आते हैं जो जिनको मैथिल कोकिल कहा गया है और आदिकाल के कवि हैं, तो इनके भी मुक्त मुक्तक पद हैं कुछ, और ऐसा माना गया है कि सबसे पहले हिंदी के जो श्रृंगार मुक्तक काव्य धारा में अगर बात करें तो विद्यापति के पदों की गणना हम कर सकते हैं, क्योंकि विद्यापति ने राधा कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं का चित्रण किया है और बहुत मर्मस्पर्शी वर्णन उनका मिलता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि शुरुआत हो जाती है श्रृंगारिक रचनाओं की सही रूप में आदिकाल से, हिंदी की अगर बात करें तो। इसके बाद जो है
हिंदी की रीति कालीन श्रृंगारिक परंपरा जो बाद में आती है उसके तत्व हम कह सकते हैं कि विद्यापति की रचना में उनके मुक्तकों में हमें मिल जाती है। और विद्यापति के बाद अगर भक्ति काल की बात करें, क्योंकि रीति काल के हैं बिहारी और उससे पहले भक्ति काल भी है और विद्यापति आदि काल के हैं, तो बीच का जो भक्ति काल है अगर उसकी बात करें तो सूर के मुक्तक पदों को हम ले सकते हैं और इनमें भी श्रृंगार चित्र पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और विद्यापति ने जिस तरह से राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन किया है, उसी तरह से सूरदास ने भी राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं, उनके हाव भावों का लौकिक नायक और नायिकाओं की भांति ही वर्णन किया है। और इसी तरह के दूसरे कृष्ण भक्त कवियों को भी हम ले सकते हैं जिन्होंने इस तरह की श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं या दोहे लिखे हैं। तो अब ये हमने देखा कि रीति काल से पहले आदि काल में मुख्य रूप से विद्यापति का नाम ले सकते हैं और उससे पहले गाथा सप्तशती और अमरूक शतक और भी चौर पंचाशी का गीत गोविंद घटक पंक परी ये भी ले सकते हैं, कुछ नाम है। तो अब भक्ति काल में देखा मुख्य रूप से सूरदास के हम राधा और कृष्ण संबंधी जो मुक्तक हैं उनको ले सकते हैं इस श्रेणी में। अब भक्ति काल के बाद बात आती है रीति काल की। तो रीति काल के आते ही तो श्रृंगार मुक्तकों का एक तरह से प्राधान्य हो जाता है, बहुत सारे लिखे गए और जो इसमें श्रृंगार संबंधी जो मुक्तक रचे गए उसमें हम देखते हैं कि नायिका भेद का मतलब है कि नायिकाओं की अलग अलग श्रेणियां की गई, अलग अलग भेद किए गए, प्रौढ़ा नायिका और जैसे प्रेमिका के लिए अलग और पत्नी के लिए अलग, तो अलग अलग नायिकाओं के भेद किए गए। इसके साथ साथ हम देखते हैं रीति काल में कि जो प्रेम है उसका संयोग भी का भी वर्णन है और वियोग का भी। तो प्रेम का जो है वो संयोग और वियोग वर्णन हमें मिलता है, ऋतु वर्णन मिलता है कि जितनी ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में जो प्रेमी और प्रेमिका की दशा होती है उसका वर्णन है। रति जो है वो स्थायी भाव के है और इसके साथ साथ आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब का अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। क्योंकि रीति काल में तो फिर हमारे जो रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, इन पर भी काफी लिखा गया जिनको हम रीति ग्रंथ कहते हैं। तो बिहारी जो है वो उस तरह की रीति ग्रंथ लिखने वाले आचार्य तो नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हम देख सकते हैं कि उन्होंने हर तरह से अगर रस की बात करें तो अनुभाव, संचारी भाव, उनके भी दिग्दर्शन जो है हमें होते हैं उनकी रचना में। अब रीति काल में श्रृंगार मुक्तक लिखने वालों में सबसे पहला नाम जो है वो बिहारी का आता है। इनकी जो रचना बिहारी सतसई जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि मतलब श्रृंगार रस किसी दूसरे उस समय रचनाकार जो थे उनमें नहीं मिलता, लेकिन जो रूप हमें बिहारी की सतसई में मिलता है उस तरह का जो वर्णन जो है वो हमें रीति काल के किसी अन्य कवि में नहीं मिलता। तो ये जो ग्रंथ है इनका बिहारी सतसई वो बहुत प्रसिद्ध है और 700 दोहों के आधार पर इसको सतसई कहा गया और इसकी ख्याति जो है वो बहुत है और बिहारी भी इसी के कारण इतनी ख्याति प्राप्त कर पाए। और जितनी ख्याति बिहारी को प्राप्त हुई शायद ही किसी कवि को प्राप्त हुई हो, रीति काल के कवि को, मैं रीति काल की बात कर रही हूँ। तो बिहारी सतसई इतनी प्रसिद्ध रचना है कि इसकी हिंदी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, उर्दू इन सभी भाषाओं में इनकी इसकी व्याख्याएं आपको मिलेंगी। इसकी टीका हम कहते हैं क्योंकि जो ग्रंथ है उस समय जो टीकाएं लिखी गई हैं जो एक तरह से व्याख्या की तरह से ही होती हैं, तो वो लिखी गई। और आज अगर इसका देखें तो हिंदी में भी बहुत सारी टीकाएं हैं इसके ऊपर, एक बिहारी सतसई के ऊपर भी अनेक टीकाएं आपको हिंदी में मिलेंगी। अब बिहारी के अलावा रीति काल में जो श्रृंगार मुक्तकों की रचना करने वाले कवि थे उनमें और भी नाम आ सकते हैं, जैसे मती राम है और सुखदेव मिश्र है और रसनिधि है
निवाज हैं, देव हैं, देव की तुलना की जाती है बिहारी से। इन्होंने भी काफी अच्छा लिखा है, लेकिन जो बिहारी में बात है वो फिर देव में भी नजर नहीं आती है। और इसी तरह से बेनी प्रवीण है, गवाल कवि है, द्विजदेव है, ये सारे कवि हैं जो रीति काल के ही हैं और जिनको हम जिनमें हमें थोड़ा सा श्रृंगारिक रस, जो श्रृंगार रस है, उसके दर्शन होते हैं। लेकिन श्रृंगार रस के निरूपण में जो सफलता बिहारी को मिली है, वो सफलता इनमें से किसी भी कवि को प्राप्त नहीं हुई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो बिहारी हैं, उन्होंने जो काव्य की रीति होती है उसका भी पालन किया है, और जो मानव की प्रकृति होती है, मानव का जो स्वभाव होता है, उसके जो मनोभाव हैं, उनका बहुत ही कुशलता के साथ बिहारी ने वर्णन किया है। एक तो होता है ना कि देखिए, जब हम कोई भी रचना जब लिखते हैं, तो एक तो हमें सिर्फ उसका ज्ञान होना कि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया और हमें हमें पता है कि किस तरह से लिखना है। दूसरा कि लोक अनुभव बहुत मायने रखता है किसी भी कवि के लिए। तो केवल प्रतिभा होना, केवल लोक शास्त्र, केवल शास्त्र का ज्ञान होना, इससे बात नहीं बनती है जब तक आपके पास लोक अनुभव नहीं होगा, या फिर आपने उस तरह का अभ्यास की भी जरूरत पड़ती है। तीन चीजें मानी गई हैं काव्य के हेतु, कही गई हैं तीन, कि प्रतिभा और शास्त्र या लोक शास्त्र का ज्ञान, और तीसरा है अभ्यास। तो ऐसा लगता है जब हम बिहारी के दोहों को पढ़ते हैं, तो इन तीनों चीजें जो है वो बिहारी में मिलती हैं। तो जितना उन्होंने कुशलता और रस के साथ इन मनोभावों का, जो मानव के मनोभाव है प्रेम को लेकर, उनका वर्णन जो किया है, वो शायद हमें किसी और कवि में नहीं मिलता, और इसलिए बिहारी को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो बिहारियों ने बड़ी निपुणता के साथ ये काम किया है, और इसलिए उनके जो श्रृंगार के दोहे हैं, श्रृंगार परक दोहे हैं, वो बिल्कुल अलग स्थान रखते हैं और बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। क्योंकि उनका जो नायिका भेद का निरूपण है, उन्होंने नायिका का जो नैक्षिक वर्णन किया है, नायिका के हाव भावों का जो उन्होंने वर्णन किया है, आपने पढ़ा नटत खटत रीचत की जत वाला दोहा, तो आपने देख ही लिया है तो किस तरह से वो वर्णन करते हैं। तो इसकी वजह से भी बिहारी को रीतिकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। अब बिहारी की तुलना जो देव से की जाती है, तो महाकवि उन्हें भी माना जाता है। तो देव ने मानव प्रकृति के रहस्यों का चित्रण तो किया है, लेकिन पहली बात तो उन्होंने सवैया में की है। तो सवैया होता है, चार पंक्तियों का होता है छंद, का नाम है सवैया। जबकि वही काम जो है वो बिहारी ने दोहों में किया, उन्होंने दोहे लिखे हैं। और दोहों का भी, बिहारी के दोहों के बारे में मैंने कहा है कि देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये इनकी बात बहुत गंभीर कही जाती है। कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरह के दोहे बिहारी के हैं, जो छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत बड़ी बात कहते हैं। तो इन लेकिन हम जब देव को देखते हैं, तो देव में ये हमें कमी दिखाई देती है कि उनमें संगीतात्मकता की कमी है। तो लोकप्रियता की दृष्टि से भी देखें तो बिहारी जो है देव की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इस तरह से अगर जब हम इन दोनों की तुलना करें, या इन दोनों में समानता देखें, तो फिर बिहारी का स्थान जो है वो ज्यादा ऊपर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहारी जो है वो श्रृंगार परक रचना करने में, मुक्तक रचना लिखने में, रचना करने में उनका स्थान जो है वो बहुत ऊपर है। तो उनको सर्वोच्च कवि माना जा सकता है रीतिकालीन श्रृंगार परक रचना करने में। तो ये तो हमने बात की कि सतसई और या बिहारी का क्या स्थान है रीतिकाल में। अब अगर हम बात करें बिहारी की श्रृंगार रचनाओं की बात करें, या उनके जो उन्होंने जो लिखा है श्रृंगार परक रचनाएं जो उन्होंने की हैं,
तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब श्रृंगार वर्णन होगा, और श्रृंगारिकता तो रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की हम बात करेंगे। और बिहारी ने दोनों ही पक्षों पर अपने मुक्तकों की रचना की है, और उनके काव्य की ये प्रमुख विशेषता मानी गई है। उन्होंने नायक और नायिका की जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनको आधार बनाया है, और उसके बाद उन्होंने श्रृंगार रस का चित्रण किया। और श्रृंगार रस के लिए संयोग रस की बात करें तो संयोग रस में जो है वो नायक और नायिका का मिलन होता है परस्पर एक दूसरे के साथ, विभिन्न प्रेम की अभिव्यक्तियां मिलती हैं। और जो है, अब आपने देखा था अभी जो हमने एक पद पढ़ा भी था कि जिसमें नायिका जो है वो सारी लोक लाज जो है वो छोड़ देती है, और उसके जो अनुपम शोभा है नायक की या प्रेमी की, उसमें वो इतनी खो जाती है, इतनी फंस जाती है कि जैसे किसी भंवर में नाव फंसी हो। तो उन्होंने इस तरह का वर्णन जो है वो हमें मिलता है उनके अगर संयोग श्रृंगार की बात करें तो। वियोग श्रृंगार का महत्व जो है वो श्रृंगार रस में बहुत माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वियोग तो एक तरह से परीक्षा होती है प्रेम की। तो बिहारी के दोहों में हमें इसके वियोग की भी महत्ता मिलती है, और दोनों ही पक्षों का वर्णन तो है, किंतु जो सफलता उन्हें बिहारी ने श्रृंगार के संयोग पक्ष में जो मिलती है वो वियोग में नहीं मिल पाई, उतना अच्छा सा वर्णन नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वियोग श्रृंगार पर भी दोहे लिखे हैं। एक दोहा है उनका कि जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए, आंखों नाके लगी रहे आंखें लागती नाही। यानी हम मेरी आंखें जो हैं वो प्रेमी पर लगी रहती है, नायक पर लगी रहती है, तो आंखें ही नहीं लगती हैं। और जब जब सुधि कीजिए, यानी जब जब मैं जागती हूँ, जब तक मैं अपने चेतन चेतना मेरी लौटती है, तब तब मुझे वही ध्यान आता है। तो इस दोहे में जो नायिका है वो नायक की प्रति इतनी अनुरक्त है कि अपने उसकी मनोदशा जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि किस तरह से उसका ध्यान जो है उसी में उलझा रहता है। और इसी प्रकार का दोहा आपने आपके इसमें भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ रूप वर्णन का भी किया है, रूप वर्णन भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। नायिका जो है वो नायिका के रूप वर्णन का भी वर्णन है और नायक के रूप का भी वर्णन है, तो दोनों का ही वर्णन जो है वो हमें इन दोहों में मिलता है। इसके साथ साथ जब श्रृंगार रस की बात करते हैं तो वियोग और संयोग पक्ष की बात करते हैं श्रृंगार के, तो प्रकृति वर्णन भी आ जाता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो इन दोनों में, वियोग में भी और संयोग में भी सहचरी बन जाती है। यानी वो भी पूरी सहायता करती है इन दोनों के, और जो कवि है उसको भी इस तरह का वर्णन करने में प्रकृति जो है वो सहयोगी होती है, उसके माध्यम से वो उन अनुभवों का वर्णन कर सकता है कवि। इसी तरह से नायिका भेद की भी बात है कि जो नायिका भेद होता है उसके भी दर्शन हमें इनके इसमें इनके मुक्तकों में होते हैं, कि जो नायिका का मुख है वो गोरा मुख है, और मदपान से उसके में जो लाली आ जाती है वो भी है। मिली चंदन बेंदी रही गोरे मुख न लहाई, जो जो मद लाली चढ़े त्यों त्यों उघरती जाई। तो इस तरह का वर्णन जो है बिहारी ने नायिका का किया है कि किस तरह से उनका रूप है उसका वर्णन भी हमें मिलता है। साथ में जो उन्होंने वस्त्र सज्जा है, आभूषण है, उनका भी वर्णन जो है वो हमें मिलता है दोहों में। अब एक बात और है कि जब हम बात करते हैं बिहारी की और बिहारी के श्रृंगार रस की बात करते हैं, तो एक उनके बारे में कहा जाता है कि उन उनमें भावों का जो वर्णन तो है,
लेकिन उदात्त स्वरूप जो है वो बिहारी में नहीं मिलता। उनकी कविता श्रृंगारी तो है, पर जो प्रेम की उच्च भूमि होती है, यानी प्रेम का उदात्त रूप जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, उसके दर्शन जो हैं वो नहीं होते हैं इसमें बिहारी के प्रेम चित्रण में। क्योंकि देखिए, श्रृंगार रस जो होता है उसकी, जो बिहारी की कविता है, अगर जब उसका सतसई का विश्लेषण हम करते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि जो मूल है इनकी सतसई का वो श्रृंगार और प्रेम है। और कवि ने स्थान स्थान पर श्रृंगार के चित्र जो हैं प्रस्तुत किए हैं, और नायक और नायिका के बीच जो प्रेम संबंध है उसका सजीव चित्रण जो है हमें इसमें सतसई में मिलता है। और इसका एक कारण ये भी है श्रृंगार रस होने का, क्योंकि बिहारी का जो समय था, जो युग था, उसकी जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामंतवाद था, चारों ओर विलासमय वातावरण छाया हुआ था, तो उस युग की कविता में भी वासना ही मिलेगी, वासना के रंग में वो भी रंगी मिलेगी। तो कोई कवियों के सामने कोई महान लक्ष्य होता नहीं था, उनका उद्देश्य जो है वो आश्रयदाता जो राजा होते थे उनका हल्के स्तर पर मनोरंजन करना होता था। लेकिन अगर जब हम आश्रयदाता राजाओं के मनोरंजन की बात करते हैं, तो बिहारी भी उसी तरह के हैं, लेकिन बिहारी का जो हल्के स्तर का मनोरंजन नहीं है, बल्कि बिहारी ने बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो मनोरंजन जो है वो उनका मिलता है। वो बहुत प्रतिभावान और जागरूक कवि के रूप में इस दायित्व को निभाते हुए नजर आते हैं, कहने का मतलब ये है। तो और दूसरी बात है कि कोई भी कवि अपने युग की परिस्थितियों से तो अछूता नहीं रह सकता, वो भी उनके काव्य में मिलेगी। तो बिहारी के संबंध में भी ये पंक्ति जो है सटीक है, क्योंकि वो भी अपने युग से प्रभावित होंगे। तो इसलिए यही कारण है कि उस समय जो विलासिता का माहौल था, विलासिता का जो वातावरण था, उसमें जो बिहारी ने रचना की है, तो उसमें हमें वो विलासिता भी नजर आती है। इसलिए शायद उन्होंने नायिका की भंगिमाओं का, मुद्राओं का चित्रण जो है वो इस तरह से किया है। लेकिन फिर वही बात है कि प्रेम का उदात्त स्वरूप जो है वो नहीं मिलता। और वो उदात्त स्वरूप कैसे? क्योंकि जो प्रेम का आदर्श रूप है उसमें माना जाता है कि सबसे जो जरूरी बात होती है वो है समर्पण। और प्रसाद की कामायनी की बात करें, क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रसाद का नाम तो जरूर आएगा। प्रसाद प्रेम के कवि हैं, और वो भी उन्होंने प्रेम का उदात्त रूप अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। और जो कामायनी की श्रद्धा है वो तो कहती है कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं सब कुछ और न लूं कुछ, इतना सा सरल झलकता है। तो ये समर्पण भावना जो है, जो प्रसाद में हमें मिली, वो बिहारी में उदात्त रूप प्रेम का नहीं मिलता। वो समर्पण भाव जो है वो नहीं मिलता। बल्कि बिहारी की जो नायिका है, या बिहारी जिस तरह से नायिका का उसके नेत्रों का वर्णन करते हैं, उसके जो शरीर है उसके अंगों का वर्णन करते हैं, उसके केशों का वर्णन करते हैं, उसके हाव भाव का वर्णन करते हैं, तो जो समर्पण भाव जो है वो नायिका का होता है, नायक के प्रति जो कि प्रेम का उदात्त रूप है, वो हमें नहीं मिलता। बल्कि रति क्रीड़ा का वर्णन हमें अनेक स्थानों पर मिलता है कि पति रति की बतिया कहीं, सखी लखी मुस्काई, कह कह सब ताला टली, अली चली सुख पाई। तो इस तरह का वर्णन जो है बिहारी में हमें मिलता है। तो लेकिन फिर वही बात है कि अपना जो युग होता है वो कभी उस तरह की रचना करता है, तो इसलिए शायद हमें उनमें प्रेम के उदात्त रूप के उतने दर्शन नहीं होते। तो ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं उन्होंने आदर्श प्रेम की भी बात कही है, और कि जो आदर्श रूप है वो क्या है प्रेम का, लेकिन वो काव्य में निर्वाह नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कहा है, जो नायिका है वो भारतीय नारी के जो उच्च आदर्श होते हैं उनके प्रति जो है वो उदासीनता हमें इनकी नायिका में दिखी है। तो ये तो मैंने बात बताई आपको, बिहारी में जो प्रेम मिलता है और जो श्रृंगार रस मिलता है उसकी बात बताई। अब बिहारी की भाषा की बात अगर करें, तो बिहारी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। छंद की बात करें तो दोहों में
लिखा है उन्होंने, और बहुत कम दोष हमें उनकी भाषा में मिलते हैं। व्यवहारिक ब्रज भाषा में उन्होंने अपना सारा ये रचना की है, बहुत ही मनोहर भाषा है, और लय है और संगीतात्मकता है उनकी भाषा में, सौंदर्य है, शब्दों को कहीं कहीं तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन ऐसा पढ़ने से नहीं लगता कि कहीं उनको तोड़ा मरोड़ा गया है। तो ये बिहारी के ऊपर कुछ बात हमने की।